ब्यूटी नेचुरल अनदर वीडियो। तो सो फ्रेंड्स, आप कैसे हो? आई होप अच्छी होगी फ्रेंड्स। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। मैं आपके सामने फिर हाजिर हो गई हूँ एक नया वीडियो लेके, नए टॉपिक के साथ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड बीच में स्किप करके मत देखिएगा, तभी समझ में आएगा। फ्रेंड्स, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और गर्मियों में स्किन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। कहीं भी हम लोग धूप में जाते हैं तो स्किन टैन हो जाता है, सनबर्न हो जाता है, स्किन पे ब्लैकनेस हो जाती है, स्पॉट्स आ जाते हैं, स्वेटिंग होती है एंड बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। हमारा स्किन जो होता है गर्मी में बहुत ही ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं इन सारी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर आई हुई हूँ। एक प्रोडक्ट है और ये सारी प्रॉब्लम को शट आउट करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की तरफ चलते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये रिव्यू जो है ये सनस्क्रीन लोशन के लिए है। एंड सनस्क्रीन लोशन हमारे स्किन को प्रोटेक्ट तो करता है, प्रोटेक्शन देता है सन से, बट और भी बहुत सारी परेशानियां जो भी हमारे स्किन के ऊपर होती है उसको भी ये दूर करता है। और इसकी आप क्वांटिटी देख सकते हो, अच्छी खासी क्वांटिटी में ये होता है। और इसका जो MRP है वो 450 के अबव होता है, बट 450 का होता ज़रूर है फ्रेंड्स, भी ये चलता बहुत है। 1 ईयर तक मैं इसे यूज़ करती हूँ एंड काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ये होता है। और हमारे स्किन पे जो भी दाग धब्बे होंगे, फाइन लाइंस होंगी एंड स्पॉट्स होंगे, वो सब ये रिमूव करता है। सनस्क्रीन लोशन बहुत ज़्यादा काम में आता है स्किन के लिए। हम बाहर कहीं जाते हैं तो सन प्रोटेक्शन के लिए हम सनस्क्रीन लोशन ज़रूर यूज़ करते हैं, बट मैं आज आपको बताती हूँ कि घर में भी जो किचन की लाइट्स होती हैं एंड किचन में जो हम खाना बनाते हैं, जो उसकी हीटनेस होती है, उससे भी हमारा स्किन टैन हो जाता है। तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हम जब बाहर जाएं एंड धूप से बचने के लिए तभी सनस्क्रीन लोशन यूज़ करें। हम घर में भी रहें, जब हम फेस वॉश करें मॉर्निंग में एक बार आप सनस्क्रीन लोशन ज़रूर अपने फेस पर अप्लाई करें। इस तरह से सनस्क्रीन लोशन आप ले लें हैंड पर और अच्छे से मर्ज कर लें हैंड पर। मर्ज करने के बाद अपने स्किन पे डैब डैब करके अप्लाई कर लें, मॉर्निंग में करें फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। आप देखोगे कि आपके स्किन में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया है। आपका स्किन लाइटन एंड ब्राइटन हो रहा है और आपके चेहरे पे जो भी दाग धब्बे हैं वो धीरे धीरे करके रिमूव हो जाएंगे और आपका स्किन ग्लोइंग हो जाएगा, वाइटनिंग हो जाएगा एंड ब्राइटनिंग हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, सनस्क्रीन लोशन बहुत काम का होता है और सनस्क्रीन लोशन को हमेशा आप अपने साथ कैरी किया करिए। अब तो गर्मियाँ आ गई हैं फ्रेंड्स, गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी घर से निकलने लगो तो सनस्क्रीन लोशन को आप ज़रूर अप्लाई करके निकलो। आपका स्किन जो रहेगा वो काफ़ी अच्छे बना रहेगा एंड आपके स्किन पे शाइन भी रहेगा। सनस्क्रीन लोशन पिछले मैं 3 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ और ये एक ऑनेस्ट रिव्यू है फ्रेंड्स। इससे पहले मेरे स्किन पे थोड़े स्पॉट्स थे भी, बट अब टचवुड मेरी स्किन एकदम फेयर है एंड मेरे फेस पे कोई भी स्पॉट्स नहीं है। एंड मैं इसे घर में भी यूज़ करती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो बाहर नहीं जाते हैं तो हम सनस्क्रीन लोशन क्यों यूज़ करें, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जो घर में लाइट्स होती हैं, जो किचन की हीटनेस होती है, उससे भी हमारा स्किन जो होता है वो टैन होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जब हम बाथ लेते हैं एंड या फेस वॉश करते हैं मॉर्निंग में, एक बार हमें ये सनस्क्रीन लोशन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये आपकी जो एजिंग वाली स्किन होती है उससे भी काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट करेगा और आपका स्किन फेयर करेगा। स्किन पर रिंकल्स होंगे, फाइन लाइंस होंगे, ये सारी प्रॉब्लम आपके शॉर्ट आउट होगी एंड जो भी आपके स्किन पे टैनिंग होगी वो भी ख़त्म होगी। तो फ्रेंड्स, मैं तो इसे 10+10 दूंगी, क्योंकि ये इससे अच्छा मुझे सनस्क्रीन लोशन कोई लगे ही नहीं। क्यों, मैं किसी और सनस्क्रीन लोशन की बुराई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि सारे प्रोडक्ट अच्छे हैं अपनी जगह पर। डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है, तो बट मैं इसको 100+ दूंगी। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कोई अच्छा सनस्क्रीन लोशन ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, बट फ्रेंड्स इतनी आप समझ लीजिए कि ये इतनी क्वांटिटी 400 अबव है, बट मैं इसे 1 ईयर से यूज़ कर रही हूँ तब भी ये ख़त्म होने का नाम नहीं हो रहा है। आप देख सकते हो कि इतना बचा हुआ है, अभी भी मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।